हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की विधानसभा इंदौरा स्थित नशे के गढ़ भद्रोहा में युवा पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव में रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए कमर कस ली है। राजीव वशिष्ठ का कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे से हट जाए और युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धंसने से बचाया जा सके। इंदौरा के थपकोर गांव के रहने वाले 41 वर्षीय राजीव विशिष्ट ने इंदौरा स्थित नशे के गढ़ भद्रोहा में युवा पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश के बाद भद्रोहा में हर रोज सुबह लगभग 200 युवा दौड़ने व कसरत करने आते हैं, जबकि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए दिखाई नहीं देता था। राजीव विशिष्ट वर्तमान में एक स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र के युवाओं के साथ हर रोज देर रात तक अलग अलग टोलियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं और निगरानी रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन ना कर पाए और ना ही नशा बेच सके। उन्होंने बताया कि वे पहले भी कई नशा बेचने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर चुके हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारा जो भद्रोहा है ये नशे का गढ़ बन चुका है। सिर्फ खेल कूद के द्वारा ही हम बच्चों को नशे से दूर कर खेल कूद की तरफ लाकर इन बुराइयों से हम इसको दूर रख सकते हैं। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से वॉलीबॉल कैंप लगा हुआ है। जो टीम यहाँ से जो टीम तैयार होगी वो हमारी 11 तारीख को रोडू के लिए यहाँ पर सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है व उसमें वो भाग लेंगे। पूरे हिमाचल में अगर गढ़ माना जाता तो भद्रोहा और शनि माना जाता है। पुलिस भी इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ हम लोग खेल कूद के माध्यम से, चाहे वो कारगर टूर्नामेंट है, चाहे वो शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो डेंगाव में कराया जाता है, कबड्डी के टूर्नामेंट के कई करवाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ देखते थे कि भद्रोहा के एरिया में कोई भी लड़का सुबह भागता दौड़ता नजर नहीं आता, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने जो अभियान चलाया है तो आज तक आप सुबह देखें तो कम से कम 200-250 बच्चे के आसपास यहाँ पर सुबह कसरत और दौड़ धूप करता हुआ बच्चा दिखाई देता है। राजीव विशिष्ट पर हर समय खतरा मंडराता रहता है कि ना जाने कब नशे के कारोबारी उन पर हमला कर दें, लेकिन फिर भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वे युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में नशे से दूर रखेंगे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।